फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गई थी। और लास्ट जो मेरा वीडियो था वो मैटरनिटी बैग वाला था जो मैंने रेडी किया था हॉस्पिटल के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ वो मैंने किसके लिए किया था। एक्चुअली मेरी भाभी का बेबी होना था तो हम लोग उसकी तैयारी कर रहे थे। तो मैंने वो वीडियो मैंने सोचा बना देती हूँ, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वो बैग मैंने उसके लिए रेडी किया था। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम हॉस्पिटल लेके गए क्योंकि पेन नहीं हो रही थी और डेट आ गई थी डिलीवरी की। तो हम हॉस्पिटल लेके चले गए तो उन्होंने एडमिट कर दिया। फिर एडमिट करने के सेकंड डे नाइट में बेबी हुआ और गुड न्यूज़ है कि बेबी गर्ल हुई है और ठीक ठाक हुई है। वो बहुत ज़्यादा क्यूट है और अभी उसका दो दिन उन्होंने हॉस्पिटल में होने के बाद रखा था। तो आज कल हमारी छुट्टी हो गई थी, मतलब सेकंड थर्ड डे उन्होंने छुट्टी कर दी थी और आज उसका फोर्थ डे है। तो मैं उसकी हॉस्पिटल में मैंने कोई शूट नहीं किया क्योंकि हॉस्पिटल में अच्छा नहीं लगता और घर वाले भी मना करते हैं जब तक नॉर्मल सही सलामत बेबी ना हो जाए तब तक कोई वीडियो फोटो किसी भी चीज़ की को शूट नहीं करना है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लेके गए थे क्योंकि नज़दीक है हमारे घर से और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले अच्छे नहीं होते। काफ़ी अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया और बेबी हेल्दी है। 3 किलो का बेबी हुआ था, बेबी गर्ल, ठीक है। तो मैंने सारे कपड़े ऐसे ही लिए थे, मतलब शर्ट बटन्स वाली और निकर या पजामा। तो मैंने एक दो फ्रॉक्स ली फिर बाद में, और उसके बाद अब हम घर ले आए हैं। तो अभी हमें पता नहीं चल रहा, मतलब रात को भी वो बहुत रोई तो बस उसको बीच बीच में दूध पिला के उसको चुप करवा रहे थे। और मैंने ऑफिस से भी छुट्टी ली है, वीडियो कोई शूट नहीं कर पा रही हूँ, टाइम नहीं लग रहा है। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है उस वो भी मैंने काफ़ी टाइम पहले बना ली थी और मैं वो डालना एडिट कर नहीं पाई, टाइम नहीं था। और अभी हमने उसको आज नहलाना है तो हमारे पास अभी टब नहीं है, बट हम नॉर्मल घर के परात में उसको नहलाएंगे और फिर हम मार्केट से टब लेके आएंगे। तो ये सब चीज़ें थी मैं आपको बतानी थी। तो दिल कर रहा है उसी के पास बैठे हैं, सारे के सारे उसी के पास बैठे हुए हैं। और जब हम उसको घर लेके आए तो घर पे कोई था नहीं, सब हॉस्पिटल में थे। तो मैंने सोचा था कि जब बेबी आएगा तो मैं थोड़ी वो करूँगी, तैयारियाँ करूँगी, डेकोरेशन करूँगी, बट वो हो नहीं पाया तो हम लोग कर नहीं पाए, हम हॉस्पिटल में थे क्योंकि सारे। तो हमने रास्ते में आते हुए फ्लावर्स ले लिए थे तो वही बस फ्लावर्स ही बिछाए जब वो आई। तो ऐसे हमने एंट्री करी थी घर में। गर्मी लग गई उसको, नीचे डाल दे अब उधर, दरवाजा टूट जाए। तो ये हमने लिया है जॉनसन बेबी का साबुन नहलाने के लिए और उसके बाद ये ऑयल है, ये भी जॉनसन बेबी का है। तो इससे हम बाद में मालिश करेंगे ऑयल से, ठीक है। इस साबुन और ये बच्चों का पाउडर ये नहलाने के बाद डालते हैं, गर्मी आजकल तो डालना ही पड़ेगा। तो अभी हम पानी गर्म कर रखा है उसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर इसके बाद इसकी नहलाई करेंगे। तो बहुत रोती है, सारी रात रोती है, सारा दिन सोती है, क्या देख रही है, खा रही है। गाइस आप लोग इसका नाम ढूंढ के बताना, मतलब इस नाम सोचना, कोई हमने नाम रखना है इसका, तो बहुत क्यूट से नाम आप बताना अगर आपको पता है, कमेंट्स में मुझे बताना ज़रूर। तो हम इसका नाम रखेंगे अभी थोड़े दिन में, कोई निकनेम भी है ना घर का। सॉरी है, अभी सॉरी है, अभी दिखाती हूँ, अभी हम इसको लाएंगे। नहलाते टाइम तो सारे बच्चे रोते हैं, अभी भी रोई, नहलाते टाइम सब रोते हैं। फिर हम इसको नई ड्रेस पहनाएंगे। तो मैंने मिटन्स भी ले रखे हैं क्योंकि गर्मियों में भी पहनाने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ये मैंने इसके लिए क्यूट सी फ्रॉक ली है, अभी हम इसको नहलाने के बाद पहनाएंगे। चलो गाइस चलते हैं नहलाने। सॉरी।
नहाते टाइम ध्यान रखना कि बच्चा फिसले ना, ठीक है? और कोशिश करना दो लोग नहलाएं ताकि हेल्प हो जाती है ना, है ना? कई बच्चे तो रोते ही नहीं नहाते टाइम, कई बच्चे तो बहुत रोते हैं। बोल रहे हो कि देश को देखो, नहा के कितनी खुश है। ये तो ना के खुश होगी, पर नहाते टाइम तो बहुत रो रही थी मैं, बहुत ज्यादा रो रही थी। इसको पहली बार नहलाया। मम्मी इसका पेट नहीं भरा। बंद कर दे, बंद कर। खुद को तो जान दे, नहीं ये कहीं। हेलो गाइस, तो हम आ गए मार्केट। गुड़िया को घर पे सला के हम मार्केट आए हैं, कुछ सामान लेना था घर का, तो सामान लेके फिर हम चलते हैं घर। मैं तो दिल नहीं कर रहा कि मैं बाहर जाऊँ उसको छोड़ के, सो रही थी अभी तो वैसे। तो अब हम जा रहे हैं घर, हमने सामान ले लिया है और थोड़ी सी भूख लग गई, तो मैंने ये बर्गर ले लिया है और गर्मी बहुत है और प्यास लग रही है तो मैंने पानी ले लिया है। बाकी हमने लिए हैं दो बेडशीट और बस, बच्चे के सामान के लिए एक टोकरी लेनी थी वो मिली नहीं, अभी लेंगे कहीं और जाके। बाय।